नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का KEI कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रक्षा पाठक है और आज हम आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में जानेंगे। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को कोविड के साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या और कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट मतलब अपने फैमिली मेंबर्स से अलग एक कमरे में सेल्फ आइसोलेशन कर लेते हैं। इस बीच आप अपने फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आते हैं। तब आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है, उसके आगे हम क्वारंटाइन की प्रोसेस में जाते हैं। जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है आइसोलेशन के बाद, उस समय आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। अगर उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ ही क्वारंटाइन हो सकते हैं। उस वक्त आपको घर से बाहर आना जाना या आपके घर में किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो किसी और को ना हो जाए। सेल्फ आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन, दोनों ही समय में आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में कॉमन टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स है, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए आफ्टर ईच यूज़ ऑफ द वॉशरूम्स। टूथब्रशेस, हेयर कॉम्ब्स, सोप्स, टॉवेल्स, इन सब चीज़ों का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, ये कॉमन ना हो। हर एक पर्सन अपना इंडिविजुअल चीज़ें इस्तेमाल करे। जो डिस्पोजल है वेस्ट चीज़ों का, उसका भी प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। वो घर के बाहर ऐसे ही नहीं डिस्पोज करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं होम क्वारंटाइन के दौरान, तभी भी आपने प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का इन्फेक्शन सुपर ऐड होने से रोक सके। अगर आप हॉस्पिटल में भी क्वारंटाइन हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते समय आप प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करिए और हैंड सैनिटाइजेशन मेंटेन रखिए, ताकि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोक सके। आइसोलेशन और क्वारंटाइन पीरियड में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे घर का पूरा सैनिटाइज करते रहिए। जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होता है 14 या 15 डेज और आप नेगेटिव रिपोर्ट आ जाते हैं आपके और आप बाहर निकलते हैं, उस समय भी आपने ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो घर है या जो आपकी सोसाइटी है वो प्रॉपर सैनिटाइज की जा सके। जो भी चीज़ें जैसे टूथब्रशेस है या सोप्स है, टंग क्लीनर है, जो हमने इस क्वारंटाइन पीरियड में इस्तेमाल किया है, उसको आप प्रॉपर डिस्पोज करिए, अलॉन्ग विद द मास्क जो हमने यूज़ किया है। कर्टन्स, बेडशीट्स, क्लोथ्स, डोर मैट्स, इसका प्रॉपर वॉशिंग होना ज़रूरी है। अगर डिस्पोजेबल है तो बेस्ट कि आप उसे डिस्पोज कर दीजिए। घर का जो सरफेस है, टेबल्स, विंडोज़, किचन या फ्लोर, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना या डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें आप डिस्पोज कर रहे हो, तभी आप ध्यान रखिए कि इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर पैक करके फिर डिस्पोजल के लिए दीजिए, ताकि इन चीज़ों की वजह से कोई और पर्सन इन्फेक्ट ना हो। क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी अगर सोसाइटी है, तो पूरी सोसाइटी या नेबरहुड जो भी है, उसको आप प्रॉपर सैनिटाइज करवा लीजिए और सबको सुरक्षित रखिए। इस पैंडेमिक में हमें एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है। डरिए मत और डराइए भी मत। एक दूसरे को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते। जुड़े रहिएगा, होगी फिर मुलाकात। KEI कुटुंब के साथ होगी फिर से नई बात।